आधुनिकता की दौड़ में आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना ही भूल गए हैं, जिसका प्रभाव समाज में पड़ता दिखाई दे रहा है। परिणाम स्वरूप जन्म से बच्चों में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। माँ और शिशु को सावधानी और जानकारी न मिल पाने की वजह से कई बीमारियों या कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए मातृ शिशु आहार एवं पोषण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में न्यूट्रीकॉन 2023 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DMRDF के चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता। अब आप लोग पूछना नहीं चाहेंगे ताली क्यों बजवाई है मैंने, इसके पीछे रहस्य है, क्योंकि अब आप जिनको सुनने जा रहे हैं उसके लिए आपके सभी इंद्रियां खुले रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा जो ज्ञान आपको दिया जाएगा अगर आप अपने जीवन में उसको लागू करते हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। उनका ऑरा ऐसा है और उनके जो चीज़ों को व्यक्त एक्सप्लेन करने का मेथड है वो इतना इम्प्रेसिव है कि मैं जब उनके पास बैठता हूँ तो बस मन करता है सुनता रहूँ। लेकिन वो कहते हैं आप सवाल ज़्यादा पूछो और मैं उन्हें सुनना ज़्यादा चाहता हूँ, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन बहरहाल समय का वक्त का तकाजा है, तो एक जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैंने दो बातें कही हैं कि आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा और आप सब दोनों की ही वैल्यू है। जीवन में कई बार हम केवल शरीर की केयर करते हैं, भौतिक जगत की केयर करते हैं और कई लोग केवल भगवान की बात करते हैं। जैसे बिजली जल रही है तो इसमें बल्ब भी है और बिजली भी है, दोनों की केयर करनी पड़ेगी। बिना बल्ब के बिजली भी बेकार है और बिना शरीर के आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। हमें दोनों की ही केयर करनी है, दोनों का सम्मान रखना है, दोनों में सामंजस्य बनाकर चलना है। अभी हम बात कर रहे हैं कि समाज सुखी कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, और इसके लिए हम सब ने चर्चा की कि खान पान कैसा हो। खान पान के नंबर हैं, पर मैं एक प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उस प्रश्न को अपने अंदर निरंतर जीवित रखिए कि स्वास्थ्य के लिए तन के नंबर कितने हैं और मन के नंबर कितने हैं। स्वस्थ जीवन के लिए तन के नंबर कितने हैं और मन के नंबर कितने हैं, कौन बताएगा? अगर आप विचार करेंगे पाएंगे मन के नंबर 90 हैं, 90 से कम नहीं है, और तन के नंबर 10 से ज़्यादा नहीं हैं, कम हो सकते हैं। शरीर को पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, पूरी तरह से चेतन रहने के लिए मन के नंबर 90 से ऊपर हैं। और हम प्रयास किसका करते हैं? 90% हम प्रयास तन के लिए करते हैं और मन को हम 10% भी नहीं देते। सारी समस्या की जड़ इसी बात की है कि जिसके 90 नंबर हैं उसके लिए हम 10% टाइम नहीं देते, जिसके 10 नंबर हैं उसके हम 90% भी नंबर नहीं टाइम नहीं देते। और मन को क्या कहते हैं कि मन जीते जग जीत, सब कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन कैसे काबू में आए और मन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हमारे को अपना आत्मबल
बढ़ाना पड़ेगा। यदि आत्मबल बढ़ा हुआ है हमारा, तो हम मन को काबू में कर सकते हैं और मन रूपी घोड़े को हम वश में करके बहुत कुछ जीवन के अंदर हासिल कर सकते हैं। आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए? आत्मबल बढ़ाने के लिए संस्कार, संस्कृति व शिक्षा, संस्कार, संस्कृति व शिक्षा, और इन तीनों के लिए हमारे साथ, हमारे समाज के साथ एक योजनाबद्ध रूप से तीनों को समाप्त कर दिया गया। हमारे यहाँ पहले कितना आत्मबल था, इसका उदाहरण देखेंगे तो श्री राम और रावण की लड़ाई से देख लीजिए। इस दुनिया के अंदर जब श्री राम और रावण की लड़ाई हुई, तो सबसे कम साधन वाले व्यक्ति श्री राम थे, सबसे कम साधन वाले। घर के साथ नहीं है, फौज साथ नहीं है, कोई साधन साथ नहीं है, पैदल चल रहे हैं वो और उनका भाई, दो जने हैं। और सामने इस दुनिया का आज तक का हुआ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे विद्वान व्यक्ति रावण, सबसे धनवान व्यक्ति, लेकिन श्री राम में आत्मबल था। जब उनसे लड़ाई हुई, देवताओं ने कहा कि प्रभु आपके पास रथ नहीं है, तो श्री राम क्या जवाब देते हैं? कहते कि मेरे पास धैर्य और शौर्य नाम के ऐसे रथ हैं जिनके दो पहिए धैर्य और शौर्य नामक रूपी पहिए हैं उसके। आत्मबल था उनके अंदर, आत्मबल था। तो अमर सिंह राठौर 300 दुश्मन के सिपाहियों को रोनता हुआ अकेला चला गया, आत्मबल था। तो केसरी फिल्म देखी होगी हम सब ने कि 21 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने चिड़िया को बाज से लड़ाने के लायक बना दिया, शेर बना दिया आत्मबल बढ़ाकर। और कहानी आती है एक टिटहरी की कहानी आती है। टिटहरी ने अंडे दिए अपने समुद्र के किनारे। टिटहरे से कहने लगी वो कि मुझे डर है कहीं ये समुद्र मेरे अंडे बहाकर ना ले जाए। टिटहरा कहता है इसकी इतनी हिम्मत कहाँ है कि मेरे अंडे उठा ले वो। समुद्र ने सुना और उसने उसके अंडे बहा लिए। टिटहरा आता है और बूंद अपनी चोंच से पानी भरकर समुद्र से बाहर फेंकने लगता है और कहता है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा। जब वो लगा रहा तो उसके मित्र, सगे संबंधी और परिवार के लोग साथ में आ गए। जब उनको देखा तो और पक्षी साथ में आ गए। बात पहुंची गरुड़ जी के पास कि मेरे सारे पक्षी को समुद्र तंग कर रहा है। तो गरुड़ जी ने कहा विष्णु भगवान को कि मैं जा रहा हूँ अब उस समुद्र को सबक सिखाने को। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ठहरो, मैं ही समुद्र को सबक सिखा देता हूँ। समुद्र ने हाथ जोड़कर टिटहरे के अंडे वापस किए। क्या था? आत्मबल था। बलवान नहीं था टिटहरा, लेकिन आत्मबल से भरपूर था। हमारा आत्मबल कमज़ोर क्यों हुआ? संस्कार, संस्कृति व शिक्षा। शिक्षा से खिलवाड़ क्या हुआ? मान लो दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए के अंदर 98 गुण हैं, 2 अवगुण हैं। बी के अंदर 98 अवगुण हैं, गुण हैं और 2 अवगुण हैं। अब चर्चा क्या करता है पढ़ाने वाला? उसके 2 गुणों की चर्चा और उसके 2 अवगुणों की चर्चा। क्या वो झूठ बोल रहा है? बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और माफ़ी की बात नहीं है बल्कि हम आपका आभार मानते हैं। मालूम, ये सबको मालूम पड़ सकता है कि कितने व्यस्त हैं ये। हम आम तौर पर नेताओं के बारे में बात करते हैं, जब इनको नज़दीक से जानेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनके लिए अपना घर के लिए कोई समय नहीं होता। घर के लिए नेताओं के पास कोई समय नहीं होता, और कम से कम जो ऐसे नेता हों तो कितने लेट आए हैं और फिर भी आए हैं ये। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी बात कर रहा था कि बच्चों के लिए इस समाज को समृद्ध बनाने के लिए हमें तन के साथ में मन के समृद्ध बनाने की ज़्यादा आवश्यकता है। 90% नंबर मन के हैं, तन के नंबर 10% से ज़्यादा नहीं है। और मन कैसे मजबूत हो उसके लिए आत्मबल चाहिए अपना।
उसके लिए आत्मबल मजबूत चाहिए। आत्मबल मजबूत होता है संस्कार, संस्कृति व शिक्षा से, और एक नीति के तहत हमारे संस्कार संस्कृति का हनन हुआ और शिक्षा का हमारे को गलत पाठ पढ़ाया गया। मैंने अभी बता रहा था आप सबको, मैं बहन जी के आने से पहले, कि मान लो किसी व्यक्ति में 98 गुण हैं और 2 बुराइयां हैं, और किसी व्यक्ति के अंदर 98 अवगुण हैं और 2 अच्छाइयां हैं, लेकिन इतिहास में उनके 2 गुणों की चर्चा और उसके 2 अवगुणों की चर्चा, तो वो ठीक होने के बावजूद भी, सच कहने के बावजूद भी आपको झूठ पढ़ा रहे हैं और आपका आत्मबल कमज़ोर कर रहे हैं। आत्मबल कमज़ोर होने से शेर भेड़ बन सकता है और चूहा ऊपर छलांग लगा सकता है। आत्मबल की बात करें, संस्कार संस्कृति की बात करें, कि हमारी संस्कार संस्कृति से क्या किया गया। सबसे पहली बात तो हमारे पर आक्रमण क्यों हुए? कुछ लोग कह सकते हैं कि सबने आपको तंग किया। अरे भाई, अमीर आदमी घर तो चोरी हो गई, जिसके पास कुछ होगा नहीं उसके यहाँ चोरी कौन करेगा? हम समृद्ध थे संस्कार से, संस्कृति से। आज भी घरों में देखते हैं, यदि किसी बच्चे के घर में ज़्यादा प्रशंसा होती है तो बाकी भाई बहनों को उससे ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। समाज की बात छोड़ो, भाई बहनों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी प्रशंसा क्या हो रही है और उसमें नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारी हर जगह पर प्रशंसा थी। पहले हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर 34% हमारा योगदान था GDP के अंदर। लेकिन आत्मबल कमज़ोर कैसे किया गया, संस्कार संस्कृति के बारे में कैसे कहा गया, हमारी एक एक बात को हमारे को गलत ढंग से पढ़ाना शुरू कर दिया गया। हम बात करते हैं सती प्रथा की। हमारे पर आरोप लगाया गया कि हमारे संस्कारों के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर सती प्रथा जैसा एक गलत रिवाज है। सती प्रथा क्या होती है आप सब जानते होंगे और मानते होंगे कि पति के मरने के बाद पत्नी सती हो जाए, पत्नी आत्महत्या कर ले, जलकर मर जाए। पर ऐसा नहीं है। हमारे जो सतियों के नाम मशहूर हैं, सती अनुसुईया, सती सावित्री, कोई जल के नहीं मरी, वो अपने सत्य पर थी, सती कहलाई। सती प्रथा की जो बात करें, सबसे पहले माँ सती, माँ पार्वती अपने पति का अपमान ना सहने के कारण कूद गई, पति के मरने के कारण नहीं, उनका नाम सती था तो इस जल के मरने को सती कहना शुरू कर दिया गया। वरना हमारे समाज के अंदर एक समय आया जब नारियों पर जुल्म होने शुरू हुए। आज भी कई लोग अपने अपमान से बचने के कारण, पुरुष हों स्त्री हों, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में ये प्रथा नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के नाम पे, नारी के अपमान के नाम पे एक रामायण का दोहा पढ़ लिया गया कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये बताया नहीं गया कि ये बात कौन कह रहा है। जब श्री राम ने समुद्र को दंड देने के लिए धनुष उठाया तो समुद्र हाथ जोड़कर अपने आप को बचाने के लिए कह रहा है। मैं पहले बैंक मैनेजर था, मैं तो जब लोन की बात होती थी, अगर लोन देना होता था कि 10 तारीख को देना है, तो वो आदमी 9 तारीख को आना शुरू करता था कि जी कल 10 है, मुझे लोन चाहिए। जब उसके किश्त देने की बारी आती थी, 10 को किश्त देनी है, वो भूल जाता था। हम बुलाते हैं उसको, भाई तूने याद नहीं रखा 10 तारीख को? तो बाबूजी, ऐसा पशु हैं, असी तो अनपढ़ हैं, सानू की पता केड़ी 10 तारीख है। अपने आप को क्या कहता था कि हम तो अनपढ़ आदमी हैं, बेवकूफ़ हैं हम तो, अपने आप को, क्योंकि इस बात से बचाने के लिए उनको दोष ना लगे। ऐसे समुद्र अपने आप को बचाने को कह रहा है, हे प्रभु क्षमा करो, मैं तो जड़ हूँ। और साथ में उसने नारी को भी जोड़ दिया। जो हमारे संतों ने कहा गया कि नारी के बदले वैसे रारी शब्द हैं, लेकिन नारी शब्द भी हो तो श्री राम ने नहीं कहा, प्रभु राम ने नहीं कहा। और हमारे विद्वानों ने इस बात को प्रचार भी नहीं किया कि भाई समुद्र अपनी जान बचाने को, अपने आप को, अपने परिवार को बेवकूफ़ कह रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। श्री राम ने ऐसा कभी नहीं कहा। हमारे समाज के अंदर जहाँ सारी शक्तियाँ नारी के पास हैं, चाहे धन की शक्ति हो, तन की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, वहाँ नारी का अपमान कैसे हो सकता है? वर्ण व्यवस्था की बात करें, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के नाम पर जन्म से कभी नहीं थी, पता नहीं कब समाज में जन्म से आ गई है। सारे ग्रंथों में जहाँ लिखा है कर्म से ही वर्ण व्यवस्था थी और आपस में भेदभाव नहीं था। यदि वर्ण व्यवस्था के कारण
भेदभाव होता तो तुलसी, जब कबीर जी थे, रविदास जी थे, तो रविदास जी किसके गुरु थे? मीरा के रानी थी। इसके बारे में समाज में कहीं चर्चा नहीं आती कि मीरा के गुरु रविदास जी क्यों थे। रविदास जी और महाराजा पीपा एक ही गुरु के शिष्य थे, रामानंद जी के। ब्राह्मण थे वो, अगर जात पात का फर्क होता, एक ब्राह्मण अगर उनको कोई अछूत मानता तो उनको शिष्य कभी नहीं रखता। और रविदास जी का जो कंगन है, कौन लेकर गया था? उनका जो रुपया सिक्का था जिसके बदले माँ गंगा ने कंगन दिया, एक ब्राह्मण लेकर गए थे कि मेरा सिक्का, मेरा रुपया भी आप भेंट कर देना। और गंगा माँ ने कंगन दिया रविदास जी के लिए। हमारे यहाँ जात पात कहीं नहीं थी। अग्रवाल कौन है? कहते हैं महाराजा अग्रसेन की संतान है, वो क्षत्रिय थे, उन्होंने अपना कर्म बदला तो वो आज वैश्य बन गए। वो हमारे यहाँ जात पात नहीं थी। जात पात होती तो माँ सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में नहीं जाती। आज भी वर्ग भेद है। ऑफिस में काम करने वाले मालिक भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, क्लर्क भी होते हैं, और चतुर्थ क्लास के कर्मचारी भी होते हैं। उनके लिए कई बार खाने की टेबल भी अलग होती हैं, बाथरूम भी अलग होते हैं, लेकिन आपस में सब वो मिलकर काम करते हैं, मिलकर बैठते हैं, भेदभाव नहीं होता। यदि तोड़ना होता है तो उनके अंदर भेदभाव पैदा करना हम लोग शुरू कर देते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं, ये व्यवस्था भी जानने की ज़रूरत है। जो समाज का मार्गदर्शन करके रोटी कमा रहा हो, समाज का मार्गदर्शन करके, जैसे आज के राजनेता भी ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। क्षत्रिय कौन है? जो सरकारी कामकाज में लगा हो, सरकारी कामकाज के द्वारा अपनी रोटी कमाता हो, वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? जो किसी प्रकार की सेवा या वस्तु बेचकर रोटी कमाता हो। यदि सेवा करने को काम कहेंगे तो वकील भी आज सेवा बेच रहे हैं और CA चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आज सेवा बेच रहे हैं। किसी प्रकार की सेवा या वस्तु बेचकर जो पैसा कमाता हो वैश्य है। शूद्र कौन है? जो भीख मांग कर या लूटपाट कर खाना खाता हो, लूटपाट करके। इसलिए पूरे समाज के अंदर, पूरे इतिहास के अंदर केवल वाल्मीकि जी का नाम लिया जाता है कि वो शूद्र का कार्य करते थे, लूटमार करते थे, और उन्होंने भी अपना कर्म बदला तो महर्षि कहलाते हैं, और हम सब उनका नाम सम्मान से लेते हैं, वाल्मीकि जो भगवान का दर्जा देते हैं। तो हमारे संस्कार और संस्कृति को गलत पढ़ाकर, हमारा संस्कार और संस्कृति से कमज़ोर करके, हमें ही अपने आप पर शक करना सिखाकर हमारा आत्मबल कमज़ोर कर दिया गया। और हमें बताया ही नहीं गया कि हम कभी जीते भी हैं क्या। हमें बताया ही नहीं गया कि किस लोगों ने 10,000 लोगों को हराया था। हमें बताया ही नहीं गया कि किस प्रकार एक अमर सिंह राठौर ने 300 लोगों को मारता काटता अकेला बाहर निकल गया था। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, माताओं से, कि अपने बच्चे के लिए आत्मबल को मजबूत करने के लिए काम करें, उसके मन को मजबूत हो, आत्मबल मजबूत हो। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो कि माँ के मन में भावना हो, मैं निर्माण कर रही हूँ। किसका निर्माण? राष्ट्र का निर्माण, मानवता का निर्माण, मानवता के रक्षक का निर्माण। तो उनके अंदर एक अलग तेज आएगा और बच्चे के अंदर एक अलग आत्मविश्वास पैदा होगा। क्योंकि राक्षसी वृत्ति को समाप्त किए बिना, राक्षसी वृत्ति को समाप्त किए बिना ना हम सुखी रह सकते हैं, ना देश सुखी रह सकता है, ना मानवता सुखी रह सकती है। हमें शक्तिशाली बनना होगा राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। तो इसीलिए श्री दिवाला संघ के द्वारा हम 3 प्रण करने को कहते हैं। अब मैं उनको एक बार कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट आप मेरे पीछे रिपीट करें कि हम माता पिता की सेवा करेंगे, हम माता पिता की सेवा करेंगे, पति पत्नी का व्रत का पालन करेंगे, पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। केवल इसको ही रटने से, फॉलो करने से घर में संस्कार आ जाएंगे अपने। दूसरा प्रण संकल्प, हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है, हम मानते हैं कि हम सब, हम मानते हैं कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की, परमपिता परमात्मा के संतान हैं, संतान हैं। हम किसी से भी, हम किसी से भी जात पात, जात पात, ऊंच नीच, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। और इससे समाज में संस्कृति आ जाएगी, हम में संगठन आ जाएगा। तीसरा प्रण बहुत ध्यान से सुन लीजिए,
हम शक्तिशाली बनेंगे, हम शक्तिशाली बनेंगे और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे, और राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। हम हर माता यदि तीन संकल्पों का ही प्रतिदिन एक पाठ की तरह घर में चर्चा कर ले, बात कर ले, तो आने वाली संतान संस्कारित भी होगी, सुसंस्कृत भी होगी और शक्तिशाली भी होगी। इन सबके साथ में मेरा आप सबसे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।